Hi guys, welcome to my channel Sachin's Destination Classes. In today's class, we will continue with our part 27 of Maths Important Question Series for all competitive exam. और आज का जो हमारा concept है, that is time and work, which is a very 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 important concept for all competitive exam. आज हम start करेंगे इसका part one. Before proceeding with the questions, first of all, छोटा सा concept है, ज़्यादा बहुत बड़ा conceptual topic नहीं है. अगर मैं topic की बात करता हूँ, इसका concept बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है. पहले मैं आपको उससे फैमिलियर करवा दूं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए किसी काम को करने में 20 डेज लगा और बी किसी काम को करने में 40 डेज लगा. अब आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और टॉपिक इज टाइम एंड वर्क. तो ये तो हो गया आपका टाइम. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, ए किसी काम को करने में 20 दिन लगाता है, बी किसी काम को करने में 40 दिन लगाता है, तो टोटल वर्क कितना है पहले आपको ये फाइंड करना होगा. तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल. अब वो कैसे फाइंड करेंगे? जो 20 और 40 का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 40, वही आपका टोटल वर्क होगा. 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 40. तो दिस इज द टोटल वर्क. अब आप ये देखो, 20 के टेबल में 40 किस पर आता है? 2 पर. और 40 के टेबल पे 40 किस पर आता है? 1 पर. अब ये 2 और 1 क्या है? ये जो 2 और 1 है आपका, ये है क्या? दिस इज द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट. आप देख सकते हो 2 इंटू 20 करोगे तो 40 ही आएगा. इसी तरह से बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट. दैट इज वाई 40 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 40 ही आएगा. तो देखो, इस कंसेप्ट में आपको तीन चीजों की हम बात करते हैं. एक टाइम, एक टोटल वर्क, और एक हो गया एफिशिएंस. टाइम का मतलब हो गया डेज, टाइम का मतलब क्या हो गया? डेज. इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है, वही सिंगल कंसेप्ट आपका इस टॉपिक में यूज होता है. वो फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज इक्वल टू एफिशिएंसी. दिस इज द मेन कंसेप्ट एंड सिंगल मोस्ट कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. तो चलिए, टॉपिक आपने समझ लिया, सॉरी कंसेप्ट आपने समझ लिया. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, राम कैन डू अ वर्क इन 20 डेज. राम किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है. एंड सोहन एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज. और सोहन उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है. अब क्वेश्चन ये है आपका, इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों इस काम को मिलके करते हैं, इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द होल वर्क. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या गिवन है? राम एंड सोहन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राम इस काम किसी काम को करने में कितने दिन लगाता है? 20 डेज. और सोहन किसी काम को करने में कितने डेज लगाता है? 30 डेज. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड टोटल वर्क. वो कैसे आएगा? बाय एलसीएम मेथड. एलसीएम मेथड का मतलब आप 20 और 30 का एलसीएम ले लो. 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60. तो 60 जो है आपका टोटल वर्क है. टोटल वर्क को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यानी कि 60 यूनिट जो है टोटल वर्क है. अब 20 के टेबल में 60 कब आएगा? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे. और 30 के टेबल में 60 कब आएगा? जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे. इसका मतलब राम की जो एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 3 यूनिट. और सोहन की ये एफिशिएंसी कितनी डेज की है? 1 डे की होती है. 1 डे की एफिशिएंसी का मतलब 1 डे. सोहन की जो एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 1 डे की. जो सोहन की एफिशिएंसी है वो कितनी है? 2 यूनिट. अब आपसे पूछा जा रहा है, बोथ वर्क टूगेदर, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो देखो, ए प्लस बी की 1 डे की एफिशिएंसी, 1 डे की वो कितनी होगी? दैट इज 3 प्लस 2, दैट इज 5. तो ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों एक दिन में मिलके काम करते हैं 5 मिनट. तो 60 यूनिट का काम कितने दिन में होगा? 60 यूनिट का. तो ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अगर एक दिन में भैया 5 यूनिट कर रहे हैं
तो 60 यूनिट को कितने दिन में करेंगे? कैन आई से दैट 12 यूनिट 12 यूनिट? तो योर आंसर इज ऑप्शन सी, योर आंसर इज ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क. ए अकेला किसी काम को करने में 10 डेज लगाता है. देन ए एंड बी टुगेदर, और ए और बी मिलकर उस काम को 6 डेज में कंप्लीट कर देते हैं. अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, बी एलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज. तो बी इस काम को करने में कितने दिन लगा है? तो आपको गिवन क्या है, ए इस काम को करने में लगाता है 10 डेज, और ए और बी मिलके इस काम को कंप्लीट करते हैं 6 डेज. 6 डेज ए और बी मिलके इस काम को कंप्लीट करते हैं 6 डेज. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 10 और 6 का एलसीएम लेता हूं, 10 और 6 का एलसीएम लेता हूं, तो क्या आएगा? कैन आई से दैट 30? कैन आई से दैट 30? तो ये आपका आ गया टोटल, ये आपका आ गया टोटल. टोटल वर्क का मतलब टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट्स. टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट्स. अब 10 के टेबल में 30 किस पर आएगा? 3 पर. और 6 के टेबल में 30 किस पर आएगा? 5 पर. इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट. ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट. और ए और बी मिलके, ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैन आई से दैट, तो बी का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा? 3 यूनिट. भाई ए और बी मिलके जो है, ए और बी मिलके जो है वो 5 यूनिट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारी एफिशिएंसी आ रही है वो ए की कितनी आ रही है? 3 यूनिट की आ रही है. अब 3, ए की जगह अगर मैं 3 लिखता हूं, 3 + b इक्वल टू कितना? 5 यूनिट. तो बी की एक दिन की काम करने की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 यूनिट. ये बात समझ में आ रही है? तो आपने बी ये फाइंड कर लिया कि बी की जो एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 2 यूनिट होगी. कितनी होगी? 2 यूनिट. तो ये आ गया हमारा 2 यूनिट. बी की एक दिन में काम, बी एक दिन में कितना काम करता है? टोटल वर्क का 2 यूनिट करता है, और टोटल वर्क है कितना? 30 यूनिट. अब आपको फाइंड करना कि बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा. तो कैन आई से दैट, भाई टोटल वर्क कितना है? 30, और एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट. तो बी जो है, बी जो है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 15 डेज में. 15 डेज. अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे. देखो अभी मैंने आपको बताया था सिंगल कंसेप्ट, दैट इज टोटल वर्क. टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डे इक्वल टू एफिशिएंसी. अब क्वेश्चन से आपने क्या निकाला? टोटल वर्क आपने निकाला वो कितना था आपका? 30. बी की एफिशिएंसी आपने निकाली वो कितना था? 2. आपको ये फाइंड करना था. तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. तो आपने टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, तो बी को कितना टाइम लगेगा वो आपका है. समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज. ए किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, एंड बी इन 20 डेज. बी उसी काम को 20 डेज में करता है. इफ दे वर्क टूगेदर, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, इफ दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, दोनों मिलकर अगर इसी काम को 4 दिन तक करते हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज. तो टोटल जो वर्क रह जाएगा उसका फ्रैक्शन ऑफ वर्क कितना रह जाएगा, ये आपसे पूछा गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए जो है इस काम को करने में कितना टाइम लगाता है? 15 डेज. ए लगाता है 15 डेज. ए को इस काम को करने में 15 दिन लगते हैं. बी इस काम को करता है 20 डेज. बी इस काम को करता है 20 डेज. तो आपने लिखा बी का हो गया 20. तो अगर मैं 15 और 20 का एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा? 60. तो 60 यूनिट जो है हमारा, ये आ गया टोटल वर्क. ये क्या आ गया हमारा? टोटल वर्क. 60 यूनिट आ गया हमारा टोटल वर्क. अब 15 के टेबल में 60 कब आएगा? जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे. 20 के टेबल में 60 कब आएगा? जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब इफ दे वर्क टूगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज. अब देखो ए प्लस बी, ए और बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों की एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की है 4 यूनिट, बी की है 3. तो दोनों एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे. अब दोनों ने जो काम किया मिलके वो 4 दिन तक किया है. 4 दिन तक. तो 4 दिन में अगर एक दिन में दोनों मिलके 7 यूनिट कर रहे हैं,
अगर एक दिन में दोनों मिलके 7 यूनिट करें तो 4 डेज में कितना करेंगे? कैन आई से दैट 7 × 4 दैट इज 28 यूनिट्स? अब आप ये देखो, टोटल काम था हमारा 60 यूनिट, काम कितना हो गया 28, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? रिमेनिंग वर्क हो गया आपका 60 − 28। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 60 − 28 एंड इट इज इक्वल टू 32 यूनिट। इट इज इक्वल टू 32 यूनिट्स। अब आपसे पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, तो जितना काम बचा फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा हुआ? फ्रैक्शन ऑफ वर्क, तो देखो फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट कितना बचा हुआ? 32। टोटल कितना है? 60। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 8/15। तो आपका आंसर क्या होगा? 8/15। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है आपका, दिस इज द सेकंड कंसेप्ट। अगर ए किसी काम को करने में, अगर ए किसी काम को करने में एक्स डेज ज्यादा लेता है, इफ ए टेक्स एक्स डेज मोर देन ए एंड बी, ए और बी दोनों मिलकर जितना टाइम, ए और बी को किसी काम को करने में जितना टाइम लगता है, ए उससे एक्स डेज ज्यादा लेता है, इसी तरह से बी जो है, बी टेक्स, इफ B takes Y days more, if B takes Y days more than A and B, A और B को मिलके काम करने में जितना टाइम लगता है, B उससे Y days ज्यादा लेता है, ज्यादा लेता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, A और B को मिलके काम करने में जितने डेज लगते हैं, A उससे X days ज्यादा लेता है, और A और B को काम करने में जितने, A और B को मिलके काम करने में जितने डेज लगते हैं, B उससे Y days ज्यादा लेता है। तो ऐसे केसेस में देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, तो ए और बी दोनों मिलके अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने डेज लगेंगे? इट विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स एंड वाई। सीधा आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट क्या है, अगर ए किसी काम को करने में एक्स डेज ज्यादा लेता है या ए और बी से, ए और बी मिलके जितना टाइम लेते हैं, ए और बी को मिलके जितना डेज लगते हैं, ए उससे एक्स डेज ज्यादा लेता है, ए और बी को किसी काम को करने में जितने दिन लगेंगे, बी उससे अगर वाई डेज ज्यादा लेता है, तो ए और बी को मिलके इस काम को करने में कितने डेज लगेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, जितने दिन इनके ज्यादा है उसका स्क्वेयर रूट वैल्यू फाइंड करना। अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, so that you will be familiar with the concept. The question is, A takes 27 days more than A plus B together to complete the work. So can I say that ये आपकी x की value है, कि A जो है x days ज़्यादा ले रहा है, A जो x days ज़्यादा ले रहा है A और B together to complete the work. फिर क्या कहा जा रहा है? B takes 3 days more than a plus b together to complete a work. So can I say that this is the value of y? B जो है किसी काम को करने में 3 days ज्यादा लेता है, किससे ज्यादा? जितना a और b को मिलके काम करने में लगता है। अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी डेज विल a प्लस बी कंप्लीट दिस वर्क? बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला क्या था? स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 27। y की वैल्यू क्या है? 3। इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 81। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 days। योर आंसर विल बी इक्वल टू 9 days। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कैन डू अ वर्क इन 36 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। If they do this work together, in how many days they can complete the same work? देखो
एक मेथड तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस को करने का, दैट इज एलसीएम मेथड। अगर हम एलसीएम मेथड से करेंगे तो एज वाइज काम को करने में कितना टाइम लगाता है, 36 डेज लगता है। बीच वाइज काम को करने में कितना टाइम लेता है, 12 डेज। कितना लेता है, 12 डेज, राइट। अब 12 और 36 का अगर आप एलसीएम करोगे तो ये कितना आएगा, ये 36 आ जाएगा। तो 36 यूनिट जो है आपका ये हो गया टोटल। 36 यूनिट क्या हो गया आपका टोटल। अब 36 डेज यानी कि एक ही जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 1, बिकॉज 36 इंटू 1 36 होगा। और बी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 और बी की कितनी है 3, तो दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट करते हैं। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 36 यूनिट का ये जो काम है वो कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलके 36 यूनिट का काम कितने दिन में करेंगे, आप 4 से डिवाइड कर दो, तो ये काम होगा 9 डेज। ये काम होगा 9 डेज। ये तो आपका हो गया मेथड 1, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड होता है, इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड होता है, मेथड 2 इज, देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बस आप ये समझो ए जो है कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है, 36 डेज। लेट दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, लेट दिस बी द वैल्यू ऑफ एक्स। बी जो है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। अब दोनों इसमें दोनों मिलके इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे ये पूछा गया। तो फॉर्मूला क्या है, मैथड टू क्या कहता है, बाय मैथड टू ए और बी इस काम को कंप्लीट करने में कितने डेज लगाएंगे। फॉर्मूला इज एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वन। बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर, एक्स की वैल्यू क्या है, 36, y की वैल्यू क्या है, 12, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस 12। तो 36 इंटू 12, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 48, 12, 4 जा 48, 4, 9 जा 36, यू कैन सी दैट दिस इज योर आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इज इट क्लियर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पे आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 20 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली वर्किंग टूगेदर, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। अब आपको ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये आपका कि भाई ए बी और सी, ए जो है इस काम को कंप्लीट करने में 10 डेज लगाता है, बी जो है इस काम को खत्म करने में 20 डेज लेता है, और सी जो है इस काम को 60 डेज में कंप्लीट करता है। अब अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं, तीनों मिलके काम करते हैं, तो कितने दिनों में ये इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे अगर देखो यहाँ पर तीन कैंडिडेट्स की बात हो रही है एबीसी, ऐसे केसेस में जो बेस्ट मेथड है आपका वो है एलसीएम मेथड, जो बेस्ट मेथड है आपका वो है एलसीएम मेथड, जो बेस्ट मेथड है आपका वो क्या है, एलसीएम मेथड। तो देखो ए, ए जो है वो इस काम को करने में कितना टाइम लेता है, 10 डेज। बी जो है इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 20 डेज। सी जो है इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 60 डेज। 60 डेज, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं 10, 20 और 60 का एलसीएम देता हूं तो क्या आएगा, वो आएगा 60। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया, ये आपका आ गया टोटल, टोटल वर्क क्या आ गया, 60 यूनिट। अब देखो ए 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, दैट इज 6। 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, दैट इज 3, राइट। एंड 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, दैट इज 1। तो ए बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 6 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज 10 यूनिट। इसका मतलब ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में जो है टोटल वर्क का, एक दिन में जो है टोटल वर्क का 10 यूनिट्स कंप्लीट करते हैं। एक दिन में टोटल वर्क का कितना काम खत्म करते हैं, 10 यूनिट्स। और टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है आपका 60 यूनिट। तो अगर मैं 60 को 10 से डिवाइड कर दूं तो ए बी और सी इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएंगे, 6 डेज। दैट इज ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन, इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is, A and B together can do a work in 10 days. Okay. B and C together can do the same work in 6 days. Then A and C together can do the work in 12 days. Then A, B and C together can do the work in. देखो इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड होते हैं, मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा। इस क्वेश्चन में मैं फर्स्ट मेथड अप्लाई कर, आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी और सी इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2 × x × y × z डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ए और बी मिलकर जितना टाइम लेते हैं वो आपकी वैल्यू है एक्स, बी और सी मिलकर जितना टाइम लेता है वो आपकी वैल्यू है वाई, ए और सी मिलकर जितना टाइम लेता है वो आपकी वैल्यू है जेड। तो इट विल बी इक्वल टू 2 × x की जगह क्या हो जाएगा 10, y की जगह क्या हो जाएगा 6 और z की जगह क्या आ जाएगा आपका 12। अब x इंटू वाई क्या हो जाएगा आपका 10 × 6, y इंटू जेड क्या हो जाएगा आपका 6 × 12 और z इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 12 × 10। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2 × 10 × 6 × 12, 10 6 जा क्या हो जाएगा 60, 12 6 जा क्या हो जाएगा 72 और 12 10 जा क्या हो जाएगा 120। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2 × 10 × 6 × 12, 60 + 72 + 120 ये आपका आ जाएगा 252, ये आपका आ जाएगा 252। तो देखो 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, ये क्लियर हो गया? ठीक है। 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, इट विल बी इक्वल टू 10 × 4 = 40/7 विच इज इक्वल टू 5 × 5/7 days, 5 × 5/7 days, इज इट क्लियर? ठीक है। तो एक मेथड तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ही होता है, अब दूसरा मेथड क्या होता है वो समझते हैं। इसके लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एंड बी टूगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 days, बी एंड सी टूगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 24 days एंड ए एंड सी टूगेदर कैन डू द वर्क इन 27 days। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देन ए बी एंड सी टूगेदर कैन डू द वर्क इन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन इसको हम करेंगे मेथड टू। देखो आपको क्या कहा जा रहा है, ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, ए और बी इस काम को कंप्लीट करते हैं 18 days। फिर आपको कहा जा रहा है बी और सी जो है इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेते हैं 24 days, तो ये हो गया 24। इसी तरह से ए और सी जो है इस काम को कंप्लीट करने में 27 days लेते हैं, 27 days कितना लेता है 27 days। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क के लिए आपको इसका एलसीएम लेना होगा। देखो 18 को मैं क्या ले सकता हूँ, 9 × 2 क्या हो जाएगा 3² × 2, 24 को मैं ले सकता हूँ 3 × 8, ये हो जाएगा 3 × 2^3, 27 हो जाएगा आपका 9 × 3 विच मीन 3^3। अब देखो 3^2 × 2, 3 × 2^3 और 3^3, तो 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3^3, ये हो जाएगा 3^3 और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 2^3। तो बेसिकली जो टोटल वर्क है आपका वो कितना आ गया, दैट इज 27 × 8, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो a + b की अगर मैं एफिशिएंसी निकालता हूं, अगर मैं a प्लस बी की एफिशिएंसी निकालू तो क्या होगी, 27 × 8 टोटल वर्क है, इसको आप 18 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 2 × 4 = 8। तो a प्लस बी की एक दिन में कार्य करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कितनी आ जाएगी 12 यूनिट। इसी तरह b प्लस सी की अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, b और c की टुगेदर एफिशिएंसी निकालनी है, तो क्या करना है, 27 × 8 टोटल वर्क को आप 24 से डिवाइड करो, तो 8 × 3 = 24, 3 × 9 = 27, तो b और c की एफिशिएंसी आ जाएगी एक दिन की 9 यूनिट। इसी तरह से मैं a प्लस सी की बात करता हूं, तो टोटल वर्क कितना है,
27 से डिवाइड कर दो तो ए और सी की जो एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 18, वो आ जाएगी आपकी 18। अब आपको क्या करना है, जो इनकी एफिशिएंसी आई है इसको ऐड करना है। आपको ऐड किसको करना है, 12 यूनिट, 9 यूनिट, 8 यूनिट। मीन्स देखो ए प्लस बी, ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई है, 12 यूनिट। बी प्लस सी, बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई है, 9 यूनिट। और ए और सी की जो एक दिन की एफिशिएंसी आई है वो आपकी आई है 8 यूनिट, वो आपकी आई है 8 यूनिट, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करोगे, जब आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करो, ऐड इन सभी को ऐड करो, तो देखो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बी कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए, कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और इट विल बी इक्वल टू, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो 12 और 8 20 प्लस 9 29 यूनिट। तो कैन आई से दैट ए बी और सी की एक दिन की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 29 बाय 2 यूनिट, एक दिन की एफिशिएंसी। तो ए और बी टुगेदर कितना टाइम लेंगे, तो आपको क्या करना है, ए और प्लस बी प्लस सी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है उसको टोटल वर्क से डिवाइड करना है। टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना था हमारा, टोटल वर्क था हमारा 27 इंटू 8। तो टोटल वर्क से एक दिन की एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो, तो 29 बाय 2 है, 29, 2 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 8 टू जा क्या होता है 16, 27 इंटू 16, 27 इंटू 16 करोगे ये आपका होगा 432। तो योर आंसर इज 432 बाय 29, यानी कि 432 बाय 29 डेज में ए बी सी मिलकर इस काम को कंप्लीट करे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एक मेथड जो है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, क्या एलसीएम मेथड, और एक मेथड मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या है उसका। आप इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हो, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, और बी उस काम को कंप्लीट करने में 15 डेज लगाता है। अब क्वेश्चन ये है आपका, बोथ वर्क टूगेदर फॉर 3 डेज, दोनों ने मिलकर इस काम को 3 दिन तक किया, देन बी लीव्स द वर्क एंड गोज अवे, बी ने काम छोड़ दिया और वो चला गया। अब क्वेश्चन ये है आपका, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में अब ये काम कंप्लीट होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। टिल नाउ देखो, ये हमारा जो है मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज का मेन सेक्शन है। जैसे आप चैनल के होम पेज पर जाओगे आपको ये सेक्शन सबसे ऊपर आपको यही सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको 4 प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और आज की क्लास के बाद यहाँ पर एक प्लेलिस्ट और ऐड हो जाएगी, वो टाइम एंड वर्क की। पहली प्लेलिस्ट जो है आपकी, इसमें सारे के सारे जो कंबाइंड लेक्चर है 26 और आज की क्लास में लाकर 27 लेक्चर, वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। सेकंड जो प्लेलिस्ट है ये परसेंटेज टॉपिक की है, जिसमें ऑलरेडी मैं 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। थर्ड प्लेलिस्ट जो हाइट एंड डिस्टेंस के, जिसमें मैं ऑलरेडी 1 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, और सारे जो पार्ट है 45, 50, 50 मिनट, 10, 10, 12, 12 क्वेश्चन के मैंने अपलोड किए हुए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, स्पेसिफिकली कह रहा हूँ मैं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने 10 क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करवाए थे अलॉन्ग विद द कंसेप्ट, इसका भी 1 पार्ट अपलोड हो चुका है। जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक्स हम करते जाएंगे उनके ये पार्ट्स बनते जाएंगे, फिर जिस भी पार्ट का जो जिस भी टॉपिक की आपकी क्लास हुआ करेगी वो जो है उसी सेक्शन में उसका जो पार्ट है वो ऐड हो जाया करेगा। इससे अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस करनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली प्लेलिस्ट में जाके आप कर सकते हो। तो ये जो प्लेलिस्ट है कुछ इस तरह की, ये आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इसमें कितने सेक्शंस है हमारे, आज की क्लास के बाद 27 लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो परसेंटेज है, जिसमें मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, 4 लेक्चर्स। नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो वो हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसमें 1 लेक्चर अपलोड हो चुका है, और नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो है हमारी वो है प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें मैं ऑलरेडी 1 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, राइट। चलिए, ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने की जो ट्रिक है वो एक है, आपको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर कहा गया बी लीव्स द वर्क, बी ने काम छोड़ा है, बी ने काम बाद में छोड़ा है या पहले छोड़ा है, ये अगर बी ने काम बाद में छोड़ा है तो
तो बी ने जितना भी काम किया होगा, तो आप बी के वर्क को, जो भी बी का वर्क होगा, आप उसको टोटल वर्क में से माइनस करो। टोटल वर्क में से बी के काम को क्या कर दोगे, माइनस करो। अभी क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं ये मेथड। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बी ने या किसी भी कैंडिडेट ने काम पहले छोड़ा है, काम देखो आपने ध्यान ये देना है कि काम बाद में छोड़ा है या पहले छोड़ा है। अगर पहले छोड़ा होगा तो टोटल वर्क में आप उस कैंडिडेट का जो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे बी है, तो बी का वर्क जो होगा इसमें ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन में आ जाओ। देखो बस आप इन इसका आपने ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में इस चीज को कैसे अप्लाई करना मैं आपको बता। आपको कहा जा रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी उस काम को करने में लगाता है 15 डेज। तो बाय एलसीएम मेथड 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। ये आपका आ गया टोटल वर्क, ये आपका आ गया टोटल वर्क। अब 10 के टेबल में 30 कब आएगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 15 के टेबल में 30 कब आएगा, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये आपके पास ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, बोथ वर्क टूगेदर फॉर 3 डेज, दोनों ने मिलके 3 दिन तक काम किया। देखो अगर दोनों मिलके 3 दिन तक काम करते हैं, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में करता है 3 यूनिट, और बी जो है एक दिन में करता है 2 यूनिट। तो दोनों मिलके जो है वो 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, कितना करते हैं 5 यूनिट। तो 3 दिन में कितना करेंगे, 5 × 3, तो दोनों ने मिलके 15 यूनिट का काम खत्म कर, दोनों ने मिलके 15 यूनिट का काम खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, फिर आपको कहा जा रहा है देन, यानी कि उसके बाद, बाद देन का मतलब दोनों ने मिलके 3 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलके 3 दिन तक काम किया, और उसके बाद बी ने जो है काम को छोड़ दिया। तो बाद का मतलब क्या है, अब आपको क्या करना है, जो भी टोटल वर्क है इसमें से बी ने 3 दिन में जितना भी काम किया वो माइनस कर। जो भी टोटल वर्क है उसमें से बी ने जितना भी काम किया है 3 दिन में, इन 3 दिनों में बी ने जितना भी काम किया होगा वो आपको माइनस कर, वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल वर्क कितना है, अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूं तो ये 30 यूनिट। टोटल वर्क है 30 यूनिट, और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। तो बी 3 दिन में कितना काम कर देगा, 2 × 3 यूनिट। तो अब जो रिमेनिंग वर्क रह गया आपका, रिमेनिंग वर्क वो कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क 30 − 6, तो अब जो काम बचा वो है 24 यूनिट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया आपको कि ये जो रिमेनिंग वर्क है वो एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा, एक दिन में करता है 3 यूनिट। तो 24 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 8 डेज में, 8 डेज। समझ में आ रहा है कुछ? इसमें ये नहीं कहा कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसमें ये पूछा गया है अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं और उसके बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है कि जो बाकी का जो काम रह गया है, जो बाकी का जो काम रह गया वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 डेज। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत केयरफुली आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। बी के काम छोड़ने के बाद अब जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा ये पूछा गया। तो बी के काम छोड़ने के बाद पहले तो ये देखो काम बचा कितना है, काम बचा था 24 यूनिट। बी ने जो 3 दिन में काम किया है वो आपने इसमें से माइनस कर दिया। अब ये जो काम है ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 डेज। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, और सी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, राइट? अब आपको क्या कहा जा रहा है, ऑल थ्री स्टार्टेड द वर्क टूगेदर, तीनों ने मिलकर किसी काम को करना शुरू किया। आफ्टर 2 डेज ऑफ स्टार्टिंग द वर्क, काम के 2 दिन के बाद ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि ए जो है 2 दिन के बाद काम को छोड़ के चला गया ए। देन एंड आफ्टर 2 मोर डेज, और उसके 2 और दिन के बाद बी लेफ्ट द वर्क, यानी कि ए ने जो काम किया वो 2 दिन तक किया है, ए ने जो काम किया वो 2 दिन तक किया है, और बी ने जो काम किया है वो 4 दिन तक। अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड।
अभी पूरा काम जो है, अब इसका मतलब क्या है, अभी काम छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब जो बाकी का जो काम है, जो बाकी का जो काम है वो सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, ए जो है इस काम को करने में लगाता है 10 डेज, 10 डेज। बी जो है इस काम को कंप्लीट करता है 12 डेज में, और सी जो है इस काम को कंप्लीट करता है 15 डेज। कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 डेज। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूं, 10, 12 और 15, तो जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 60। तो ये आपका आ गया टोटल वर्क, ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क। तो आपका टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट, आपका टोटल वर्क कितना हो गया, 60 यूनिट। अब देखो आपको क्या कहा जा रहा है, फिर आपको ये कहा जा रहा है, ऑल थ्री स्टार्टेड द वर्क टूगेदर, तीनों ने मिलके काम करना शुरू किया, ए बी और सी। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो अगर काम बाद में छोड़ा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी टोटल वर्क होगा तीनों का, जो भी टोटल वर्क होगा उसमें से आपको ए का 2 दिन का वर्क क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब देखो अगर मैं ए का 2 दिन का काम वर्क निकालू, पहले यहां देखो 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, दैट इज 6। तो ए का 1 दिन का जो एफिशिएंसी है वो 6 यूनिट है। 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, दैट इज 5। तो बी की जो 1 दिन की एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट है। 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए, दैट इज 4। तो सी की जो 1 दिन की एफिशिएंसी है 4 यूनिट है। अब ए ने जो काम छोड़ा वो 2 दिन के बाद छोड़ा, तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया हो, अगर ए 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 × 2 दैट इज 12 यूनिट। ठीक है, अब बी ने जो काम छोड़ा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 4 दिन के बाद छोड़ा है, बी ने जो काम छोड़ा है आफ्टर 2 मोर डेज, तो बी ने जो काम छोड़ा है वो 4 दिन के बाद के, तो बी ने 4 दिन में कितना काम किया हो, बी का 1 दिन का जो वर्क है वो है 5 यूनिट का, तो आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 20 यूनिट, ये आ जाएगा 20 यूनिट। तो कैन आई से दैट, कैन आई से दैट ए और बी ने टोटल यहां कितना काम किया, 12 और 20 दैट इज 32 यूनिट। अब आपको क्या करना है कि टोटल वर्क में से 32 यूनिट ये माइनस कर, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, रिमेनिंग वर्क जब आप 60 यूनिट में से ये 32 यूनिट माइनस कर दोगे तो कितना वर्क रह गया, दैट इज 28 यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये जो 28 यूनिट का वर्क है, जो ये काम है, ये सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब सी की जो 1 दिन की एफिशिएंसी है वो है 4 यूनिट, तो आप 28 को 4 से डिवाइड कर दो, तो हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो आंसर क्या होगा, 7 डेज। आंसर क्या होगा आपका, 7 डेज, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, सो गाइज दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ दैट क्लास। जो भी क्लास मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।